बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमामुद्दीन टैनर्स हेयर, केमिस्ट्री लेक्चरर एट एपसेक बदीन कैंट। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप यू विल बी फाइन। वी डिस्कस्ड अबाउट साल्ट एंड इट्स टाइप्स, नॉर्मल साल्ट, एसिडिक साल्ट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्हाट इज बेसिक साल्ट। सो बेसिक साल्ट्स आर द salts are the salts which are formed by the incomplete neutralization of polyhydroxy base by an acid. Poly means many, more than one. Polyhydroxy, it is a hydroxy which is more than one. So polyhydroxy means ek ya do se zyada jo yahan pe OH ions maujood hote hain wahi jo hai na show kar rahe hain. Just like aluminum hydroxide, inke paas थ्री ओ एच ग्रुप मौजूद हैं, दीज आर ग्रेटर देन वन, सो दैट्स वाई देयर इज अ पोली हाइड्रोक्सी। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, लेड हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड। व्हेन एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद एसिड, इट विल फॉर्म एल्यूमिनियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड। सो देयर इज अ टू ओ एच ग्रुप्स, स्टिल देयर आर टू ओ एच ग्रुप, सो दिस इज नोन एज वॉट बेसिक सॉल्ट। सो दिस इज नोन वॉट basic salt. Why basic salt? Because there's also OH group present, so when this will react with acid, it will produce another base, so that is there will be a one OH group, while here is a two OH group. Lead hydroxide, when this react with acetic acid, it will form lead hydroxy acetate ion plus water. Zinc hydroxide reacts with nitric acid, it will form zinc hydroxy nitrate plus water. So there is also OH group present here, that's why these are known as a basic salt. Acidic salt हम जब discuss कर रहे थे तो उसके बारे में ये था कि जब वो react कर रहा था किसी base से तो further उसके जो है ना पास एक hydrogen या दो hydrogen ion मौजूद थे, दैट्स वाई दिज आर नोन एज अ एसिडिक सॉल्ट। बट हेयर इन केस ऑफ बेसिक सॉल्ट देयर इज ओ एच आयन प्रेजेंट, सो दैट्स वाई नोन एज अ बेसिक सॉल्ट। दीज सॉल्ट फर्दर रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म नॉर्मल सॉल्ट, जस्ट लाइक एल्यूमिनियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड रिएक्ट विद एसिड हाइड्रोजन क्लोराइड, इट विल फॉर्म एल्यूमिनियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड। सो दिस विल फर्दर रिएक्ट विद एच सी एल, इट विल फॉर्म एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस वाटर, सो दिस इज़ अ नॉर्मल सॉल्ट, दिस इज नॉर्मल सॉल्ट। वाई? बिकॉज देर इज नो एनी हाइड्रोक्सी एज वेल एज हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट हेयर, सो दिस इज नोन एज अ नॉर्मल सॉल्ट। सो दिस आर फॉर्म्ड बाय फर्दर रिएक्शन। सो बेसिक सॉल्ट क्या होता है? वो सॉल्ट जिसके पास फर्दर या रिएक्शन करने के बाद भी जो है ना वो एच आयन मौजूद होते हैं, उसको हम कहते हैं बेसिक सॉल्ट। Another example is lead hydroxy acetic acid, it will react with lead hydroxy acetate, it will react with acetic acid, it will form lead acetate plus H2O, so there is no any OH ion present here, so this is known as a normal salt. In case of zinc hydroxy nitrate, so when it reacts with the nitric acid, it will produce zinc nitrate plus water. Zinc nitrate is neutral salts, so are normal salts, so there is no any OH ion present here. Double salt. These salts are formed by two normal salts when they are crystallized from a mixture of equimolar saturated solution. Equimolar क्या होता है? Means similar molarity, similar concentration. The individual salt component retain their properties. In case of double salt, जो individual salts होते हैं ना वो अपनी जो property होती है property retain करते हैं. The anion and cation give their respective testes. जो anion होते हैं, एनाइन वो होते हैं जिसके पास नेगेटिव चार्ज होती है, जो केटाइन वो होते हैं जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होती है। सो इन केस ऑफ डबल साल्ट बोथ विल गिव देयर रेस्पेक्टिव टेस्ट। फॉर एग्जांपल मोहर साल्ट, हेयर इज मोहर साल्ट का जो फार्मूला है वो है आयरन सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, हेक्सा एक्वा। सो इन केस ऑफ दैट आयरन विल गिव इट्स रेस्पेक्टिव टेस्ट, वाइल सल्फेट विल गिव इट्स रेस्पेक्टिव टेस्ट, अमोनियम विल गिव इट्स रेस्पेक्टिव टेस्ट, वाइल दिस सल्फर विल गिव इट्स रेस्पेक्टिव टेस्ट। सो मीन ईच आयन या ईच एनाइन आकेटाइन गिव इट्स रेस्पेक्टिव टेस्ट, सो दीज सॉल्ट्स आर नोन एज अ
double salt. These are formed by the mixing of two normal salts. Just like another example is potassium. Potassium का formula क्या है? Potassium sulfate, aluminium sulfate, 24 aqua. So in case of that, potassium will give its respective taste. Sulfate ion will give its respective taste. Aluminium give its respective taste. So in case of that, each ion give its respective taste. That's why known as a double salt. Double salt क्यों कहते हैं? क्योंकि एक more than one normal salts combine each other or mix each other, they'll form double salt. So another is mixed salt. Mixed salts contain more than one basic or acidic radical, but there is no any acidic or basic radical in case of double salts. For example, bleaching powder, CaOCl2. This is an example of mixed salt. So, mixed salt kya hota hai? Wo mixed salt contain more than one basic or acidic radical. Bleaching powder ka hai CaOCl2. ये कभी कभार इंट्री में क्वेश्चन आता है, लेकिन आया भी है. कीप इन माइंड, ये आप याद रखना और पेपर में भी आ सकता है कि ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला क्या होता है. कम्प्लेक्स सॉल्ट, लास्ट वन इज कम्प्लेक्स सॉल्ट. व्हाट आर द कम्प्लेक्स सॉल्ट? कम्प्लेक्स सॉल्ट्स ऑन डिसोसिएशन प्रोवाइड सिंपल केटाइन एंड कम्प्लेक्स एनाइन आर वाइस वर्सा. यहाँ सिंपल एनाइन होगा कम्प्लेक्स केटाइन होगा, यहाँ सिंपल केटाइन होगा तो कम्प्लेक्स एनाइन होगा. ओनली द सिंपल आयन यील्ड्स द करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ फॉर केटाइन एंड एनाइन. हम जो है ना ये जो पढ़ रहे थे डबल साल्ट, उसमें क्या होता था? ईच आयन विल गिव इट्स रेस्पेक्टिव टेस्ट. बस इन केस ऑफ द कम्प्लेक्स साल्ट द सिंपल आयन यील्ड करेक्टरिस्टिक टेस्ट फॉर केटाइन आर एनाइन. फॉर एग्जाम्पल पोटाशियम फीरोसाइनाइड, या हम इसका अनदर नेम भी है हेक्सासियानो पोटाशियम हेक्सासियानोफीरेट, इसको हम कहते हैं, गिव्स एन आयोनाइजेशन सिंपल टेस्ट फॉर केटाइन पोटाशियम एंड कम्प्लेक्स एनाइन. ये पूरे कम्प्लेक्स के लिए एक टेस्ट होती है, और इस केटाइन के लिए ये जो पोटाशियम है एक टेस्ट होती है, लेकिन इस साइनो के लिए एक अलग से टेस्ट नहीं देते इन टाइप इन दीज कंपाउंड्स बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन कोवेलेंट रीजन. इसको हम कहते हैं नॉन आयोनाइजेबल रीजन. सो दैट्स वाई दे डू नॉट गिव टेस्ट फॉर दीज आयन्स, बट दे ओनली गिव द टेस्ट फॉर दिस होल द एनाइन और कम्प्लेक्स एनाइन सिंपली. सो दीज वर सम सॉल्ट्स. So types of the salt, one is acidic, normal salt, acidic salt, basic salt, mixed salt. उनके बाद हमारा complex salt है, double salt है. So double salt और complex salt में ये फ़र्क है कि double salt में each ion अपनी जो है ना वो test देता है, अपनी identity show करता है, लेकिन complex में वो अपनी identity show नहीं करता. क्यों? क्योंकि उसमें जो हमारा double salt होता है उसमें जो है ना कुछ और सब आयोनाइजेबल होते हैं, लेकिन कम्प्लेक्स में आयोनाइजेबल नहीं होते. सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर दिस लेक्चर. थैंक यू सो मच गाइज. अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच. बेस्ट ऑफ लक.